उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन को भावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का कुछ गरीब बेसहारा लोग शिकार हो रहे हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जो झोंपड़ी में रोड किनारे रहने वाले लोग इस कार्रवाई का शिकार होंगे। ऐसे ही कुछ लोग बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों का कहना है कि लक्ष्मी नगर में ये लोग रोड किनारे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। ऐसे में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएँ? सरकार द्वारा ना कोई आवास दिया गया है, ना ही कोई पहली से ही कोई सुविधा दी गई है। इस तरह के तमाम लोग हैं जो कि खुले आसमान के नीचे रहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये लोग। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसी कार्रवाई के अनुसार प्रशासन भी अब अतिक्रमण को लेकर अपनी कार्रवाई कर रहा है। जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो रोडों पर कब्जे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। यानी कि प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेघर हैं, जिन पर आवास नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, वो प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं, ये लक्ष्मी नगर यानी जमुना पार्क लक्ष्मी नगर से आई हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? कल्लो। अच्छा कल्लो, कहाँ रहती हैं आप? लक्ष्मी नगर पे, पढ़ाई पे। जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हैं, किस लिए आई हैं आप? जगह की व्यवस्था, हमारे रहने की, बच्चों की, कहाँ रहें कहाँ नहीं जाएं, कोई हमको क्या दिक्कत है आपको? कैसे, पहले कहाँ रह रही थी आप? पहले लक्ष्मी नगर पे रह रहे थे, रोड पे रह रहे थे, फुटपाथ पे। अब कोई रहने की व्यवस्था बताओ हमें, क्या हो गया? अब कोई घर मकान को दिखाओ। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं रह रही वहाँ पे? अब रहने नहीं दे रहे, कोई भगा रहे वहाँ से हमको। क्या कह रहे हैं? यहाँ से झुग्गी हटाओ, कहीं जाओ कहीं मरो, यूँ कह रहे हमसे। अब हम नगर निगम वालों ने यूँ कह रहे हटाओ, नहीं तो बिल्डोजर चला देंगे ऊपर। रोज बिल्डोजर लग जाते, सारी झुग्गियाँ फोड़ गई हमारी। कहाँ पे तोड़ी है झुग्गी? लक्ष्मी नगर पे तोड़ दी है। बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। ICU, NICU, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन OPD की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेम पाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर गोवर्धन चौराहा के समीप दिल्ली हाईवे मथुरा। वो तो रोड चौड़ा है, जो अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है? नहीं है, कहीं रहने को जगह नहीं, रहने नन्हे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता, क्या दिक्कत है आपको? वही दिक्कत है, रोड पे से हटा दिए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाए का बताओ। कोई जमीन जायद नहीं है, खुट फुटपाथ पर रहने वाले लोपी टांग करके खाते, आइटम आता है आइटम नहीं आता है, क्या करें, बहुत परेशान है। बच्चे छोटे छोटे है का रोड पे से हटा दिए, रोड पे से हटा दिए, क्या करें का। फिर बच्चों को लेके घूम रहे, कुछ हमें आवाज मिलेगी का जगह फिर काम बताएंगे का, क्या करें फिर। इधर आइए, कहाँ से, क्या नाम है आपका? लाला नाम है, लक्ष्मी नगर से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? न्यू कह रहे हैं यहाँ से हटाओ, क्या नाम है, यहाँ वो पार्किंग बनेगी, जो बनेगा वो यहाँ हमारे यहाँ, तो कहूँ भी जाओ। बहुत साल हो गई हमें, आधार कार्ड भी है, सब चीज़ है, राशन कार्ड भी है। अब यूँ कह रहे नगर निगम वाले यहाँ से कहूँ भी जाओ हमारे यहाँ। आपने कहा कि नगर निगम अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग भी इस कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आवास नहीं है, तो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन शासन की मंशा के रूप प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो रोडों पर झुग्गी झोंपड़ी डाले हुए हैं या फिर अपने खोखे लगाए हुए हैं या जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ से प्रशासन की ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच ऐसे कुछ लोग भी इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनका कहना है कि सरकार हमें आवास दे, हम कहाँ पर रहें, हमें कहीं न कहीं रहने के लिए स्थान दिया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर इन महिलाओं ने अपनी इस बात की गुहार लगाई है। न्यूज़ का प्रसंग गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।